ये ब्रह्मांड न जाने कितने रहस्यों से भरा पड़ा है, पर उनमें से जो सबसे ज्यादा रहस्यमय कोई चीज है तो वो है ब्लैक होल। आगे हम जानेंगे कि एक ब्लैक होल की उत्पत्ति कैसे होती है, कितने प्रकार के ब्लैक होल मौजूद है इस ब्रह्मांड में, क्या कभी कोई ब्लैक होल नष्ट होता है, और बहुत सारे अनकहे रहस्यों के बारे में। ब्लैक होल के विषय में अनेक महान वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान है, जिनमें एक महान वैज्ञानिक भारत से भी है। ब्लैक होल के बारे में अगर कोई भौतिक वैज्ञानिक ने अच्छे से समझाया है तो वो है स्टीफन हॉकिंग। उनकी किताब द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बहुत ही प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक है। उन्होंने इस किताब में बहुत सारी चीजों के बारे में बताया है, जिनमें ब्लैक होल, सिंगुलैरिटी और हॉकिंग रेडिएशन प्रमुख है। ब्लैक होल के बारे में 300 साल पहले से ही रिसर्च चल रहा है, पर सबसे पहले जॉन माइकल ने इसे खोजा था और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया था। इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे मैथमेटिकली समझाने की कोशिश की, फिर आए स्टीफन हॉकिंग जिन्होंने ब्लैक होल के बारे में एक एक चीज़ बता दी। और इसमें भारत के भौतिकविद चंद्रशेखर भी है, जिनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था उनके योगदान के लिए। ये पुरस्कार उन्हें चंद्रशेखर लिमिट के लिए दिया गया था। अब चलिए समझते हैं कि आखिरकार ब्लैक होल है क्या। हमारा ब्रह्मांड सिंगुलैरिटी से ही उत्पन्न हुआ है, और अगर आपको इस ब्रह्मांड के बनने और बिगड़ने को अच्छे से समझना है तो ब्लैक होल को समझ लीजिए। ब्लैक होल मतलब काला होल, पर ब्लैक होल बिल्कुल ही काला नहीं होता है। इसके चारों ओर लाइट की रेडिएशन होती है, जो इसे एक डिफरेंट लुक देती है। ब्लैक होल में ग्रेविटी इतनी प्रबल होती है कि कोई भी चीज़ इसके पार नहीं जा सकती, यहाँ तक कि लाइट भी नहीं। इस ब्रह्मांड में जो सबसे तेज जो चीज़ चलती है वो है लाइट, पर ब्लैक होल इसे भी निगल लेता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो सभी चीज़ों को निगल लेती है, चाहे वो स्टार हो, प्लैनेट हो और नेबुला हो। ब्लैक होल अपनी ही ग्रेविटी के कारण कोलैप्स होते हैं, यानी कि जिस चीज़ ने इसे बनाया उसी ने इसे बर्बाद कर दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि ब्लैक होल कितना खतरनाक होता है। हमारा ब्रह्मांड 13.5 अरब साल पहले सिंगुलैरिटी से उत्पन्न हुआ है, यानी कि सिंगल पॉइंट ऑफ स्पेस एंड टाइम, जहां पर मैटर काफ़ी डेंस था, और जब इसके अंदर की इनस्टेबिलिटी बढ़ी तो बिग बैंग हुआ। इसके बाद 450 अरब साल पहले हमारा अर्थ बना, फिर हम आए, और तब से हमारा ब्रह्मांड लगातार एक्सपेंड करते जा रहा है। लेकिन एक समय के बाद बिग क्रंच होगा और फिर से हमारा सारा ब्रह्मांड उसी सिंगल पॉइंट ऑफ स्पेस एंड टाइम में समाहित हो जाएगा। इसी चीज़ को ब्लैक होल दर्शाता है। जब एक स्टार कोलैप्स होता है तो वो एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। हमारा सूरज भी एक ब्लैक होल है, जो आज से करोड़ साल के बाद ये भी कोलैप्स कर जाएगा और एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा। ब्लैक होल जो भी खाता है उसे निकालता भी है, जिस प्रकार से हम जो भी खाते हैं उसे हम निकालते भी है। अगर ये लाइट को खाता है तो इसे रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकालता है, जिसे हम ब्लैक होल के आसपास देख सकते हैं। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने मैसिव गैलेक्सी के अंदर के ब्लैक होल की असली तस्वीर को लिया था। अभी तक हम इसके पिक्चर्स ही बना रहे थे और मैथमेटिकली प्रूव कर रहे थे। ब्लैक होल के इस असली पिक्चर ने अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग की बातों को सच करके दिखाया है। अब हम समझते हैं कि ब्लैक होल कैसे बनता है। हर स्टार में एक कोर मौजूद होता है और इसमें मौजूद हाइड्रोजन फ्यूजन के द्वारा हीलियम में बदलते रहता है। इससे कोर काफी गर्म हो जाता है और एक बहुत ही भारी प्रेशर क्रिएट होता है। स्टार के अंदर मौजूद ग्रेविटी इसके कोर को अंदर की तरफ पुल करती रहती है, लेकिन फ्यूजन की वजह से उत्पन्न प्रेशर इसे काउंटर करती है और इसे कोलैप्स होने से बचाती है। लेकिन जब स्टार में हाइड्रोजन यानी फ्यूल खत्म हो जाता है तो उसका कोर ठंडा हो जाता है और इस पर ग्रेविटी हावी हो जाती है। इसे स्टार कोलैप्स होकर एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाती है। एक ब्लैक होल चंद्रशेखर लिमिट से ही निर्धारित होती है, यानी कि इस चंद्रशेखर लिमिट से हम ब्लैक होल की साइज को मेजर करते हैं। अभी तक 3 तरह के ब्लैक होल पाए गए हैं, स्टेलर, सुपरमैसिव और अल्ट्रामैसिव ब्लैक होल्स। कोई स्टार ब्लैक होल तभी बनता है जब उसका मास सूरज के मास का 1.5 गुना ज्यादा हो। अगर किसी स्टार का मास सूरज से कम है तो वो व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाता है। इस 1.4 टाइम्स ऑफ सोलर मास को चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। ब्लैक होल में समय रुक जाता है। इस चीज को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा बहुत ही अच्छे से समझाया है। टाइम स्पेस पे डिपेंडेंट है। अगर कोई चेंज स्पेस में आता है तो समय में भी वो रिफ्लेक्ट होता है। टाइम ग्रेविटी से भी प्रभावित होता है। जितना ज्यादा ग्रेविटी उतने ही धीमे वक्त चलेगा। कल्पना कीजिए कि आप ब्लैक होल के अंदर लाइट की स्पीड से जा रहे हैं और आपको लगेगा कि आप 1 सेकंड के अंदर ब्लैक होल के अंदर चले जाएंगे, पर जैसे ही आप ब्लैक होल के कोर के नजदीक पहुंचेंगे यानी कि इवेंट होराइजन पे, आपका समय धीमा हो जाएगा। पृथ्वी में 100 साल बीत जाएंगे तब भी आप इसके अंदर नहीं जा पाएंगे। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि ब्लैक होल किसी दूसरे ब्रह्मांड का दरवाजा भी हो सकता है, यानी कि इसके द्वारा हम किसी पैरेलल यूनिवर्स यानी कि दूसरे आयाम में भी जा सकते हैं। आने वाले समय में और भी रिसर्चेस होंगे तो हो सकता है कि हमें और कुछ जानकारी प्राप्त हो। अभी तक ये एक स्पेकुलेशन मात्र है। ब्लैक होल के सेंटर में सिंगुलैरिटी मौजूद होती है और इसके चारों ओर के रेडियस को हम इवेंट होराइजन के नाम से जानते हैं। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है। इवेंट होराइजन से मैटर और एनर्जी बाहर नहीं निकल सकती है। जब कोई ब्लैक होल स्टार या
गैसेस क्लाउड को खाता है तो उसके सेंटर से एक पार्टिकल्स और रेडिएशन की एक जेट निकलती है, जिसे हम रिलेटिविस्टिक जेट्स कहते हैं। इसी तरह से अक्रीशन डिस्क भी बनती है, जो कि ब्लैक होल के चारों ओर बहुत ही हाई स्पीड में घूमती रहती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसे कि एक्सरे गामा रे को छोड़ती है, इसी से हमें ब्लैक होल के लोकेशन के बारे में पता चलता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में भी एक ब्लैक होल मौजूद है, जिसे हम सैगिटेरियस ए के नाम से जानते हैं। हम ब्लैक होल की स्टडी ग्रेविटेशनल वेव के द्वारा करते हैं। वर्तमान में नासा के पास लिगो है, जो कि एक ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी है। जब एक ब्लैक होल बनता है तो इससे भयानक एनर्जी निकलती है, जो कि स्पेस में वेव्स उत्पन्न करती है, और इन्हीं ग्रेविटेशनल वेव्स को लिगो कैप्चर करता है और वैज्ञानिक इसे स्टडी करते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल की खोज की है, जो कि गैलेक्सी OJ287 में मौजूद है। ये इतना बड़ा है कि इसमें हमारी 4 सोलर सिस्टम समा जाएंगे। इस जीवन में कोई भी शाश्वत नहीं है। जब कोई ब्लैक होल फीड करना बंद कर देता है तो उसका कोर धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और छोटा हो जाता है, और ये ब्लैक होल भी समय के साथ खत्म हो जाता है। इस प्रोसेस के दौरान जो रेडिएशन निकलता है उसे हम हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूल लें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।